नमस्कार किसान साथियों, आज हम उमिया कंपनी के स्प्रे पंप के बारे में और उसके जो दवाई का छिड़काव होता है उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये हमारा 500 लीटर का स्प्रे पंप है। ज़्यादातर तो इसको यूज़ हम कपास है, जीरा है, मूंगफली है, सोयाबीन है, उसमें दवाई छिड़कने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। देखते हैं, सबसे पहले कई किसान को क्या होता है कि टंकी कैसे भरा जाए, जो ये वेंचुर है उससे कैसे हम भरेंगे, ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो ऐसे है, जो अपना ट्रैक्टर है इस पंप में जॉइंट कर लेना है, दोनों साइड का ये पीटीओ लगा देना है और अटैच कर लेना है ट्रैक्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले जब हमें ऑटोमेटिक ये वेंचुरी से ये टंकी भरना है, तो ये वाला जो अपना साथ में दिया होगा, ये वाला, इसको इसमें लगाना है। इस तरह इसमें लगा देना है इसको। ज्यादा टाइट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हल्का हाथ से ही खाली टाइट करना है इसको। उसके बाद ये वाल है जो, ये मेन वाल बंद कर देना है इस तरह, ठीक है। और ये वाल भी, दोनों वाल बंद कर देना है और खाली ये वाला वाल चालू रखना है, ये वाला वाल चालू रखना है। ये सब दोनों बंद कर देना है, ये दोनों, यही वाला चालू रखना है। और एक चीज याद रखना है, बाद में ऐसा है, इसको जो है वो पानी में छोड़ देना है इसको। तो ये जो है वो 20 फीट से पानी में से ये अपने आप पानी खींच लेगा। ये इसको हम देखो पानी में डाल रहे, तो दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि ये इसको यूज करने के लिए सबसे पहले दो बाल्टी पानी टंकी में डालना है पहले। जी इसके अंदर दो बाल्टी पानी डालना है। रुक जाए, ऐसे ये झाली जल लगा देना है ताकि पंप खराब ना हो। एक और पढ़ लो ना है। उसके बाद ट्रैक्टर चालू करना है। ट्रैक्टर चालू करके थोड़ा हल्का सा रेस रखना है, बस इतना सही, और पीटीओ लगा चलाना है। बस ऐसे पीटीओ चालू करेंगे और देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे ये वाल आ रहा है, ये वाला भी ऐसे खड़ा कर देना, ठीक है। खड़े चालू, देखिए दोस्तों इस तरह ये पानी आ जाएगा। इस तरह ये अपने आप 20 फीट से पानी खींच लेगा ये। लेकिन याद रहे अंदर पानी 2-3 बाल्टी डालना है, उसके बाद ये एक ही बार चालू रखना है, दूसरा दोनों बंद कर देना है। ये पूरा इसका यूज हो गया अभी। जैसा कि हमने अब पानी भर लिया इसमें, और ये अपना जीरा का खेत है, इसमें दवाई छिड़कना है अभी। तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं अभी। अभी वो वाल हमने वहां भरने के लिए ये वाल बंद किया था, अभी ये वाल जो है अपना मेन सप्लाई, इसको चालू करेंगे ताकि पानी है वो पूरा यहाँ से, अभी हम ये पाइप में पानी आएगा यहाँ से, ठीक।
ये यहाँ से ये प्रेशर सेट करना होता है, आप आपके अपने क्रॉप के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी देखिए अभी 3 पे चल रहा है, मैं अभी थोड़ा मेरा क्रॉप बड़ा है थोड़ा, इसलिए मैं अभी ये 3.5 के आसपास, वैसे तो 3 का बस सही है, 3 से ज़्यादा रखना नहीं है। ये दवाई के लिए, दवाई का मिक्सिंग करने के लिए ये एक सुविधा और दी गई है यहाँ पर, ये है अपना मिक्सर, ये देखिए ये, इसको यहाँ से खोलते ही अंदर जो है वो एक दवाई जो है वो मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, अंदर वो पूरा प्रेशर से दवाई को मिक्स करता है। हम देख सकते हैं पूरा, देखो अंदर है ना पूरा ये मिक्सिंग हो रहा है दवा, ठीक है, दवाई बैठेगी नहीं इसे, ये पूरा जो है गुब्बारे निकल रहे हैं दवाई के। अगर कुछ भी हमें काम है तो ये हम फ्रीवे वाले इसको ऐसा करेंगे सीधा, तो ये नली में प्रेशर कम हो जाएगा और सीधा ये डायरेक्ट प्रेशर टंकी में चला जाएगा, ये नली में भी बंद हो जाएगा प्रेशर, ये देखिए बंद हो गया है। जैसे ही हम अपने खेत में ऐसे पहुंच गए हैं, अभी हम इसको यहाँ से चालू करेंगे। प्रेशर आप आपके क्रॉप के हिसाब से सेट करना है, वो सेट यहाँ से होता है इससे, ठीक है, यहाँ से वो प्रेशर सेट होता है, इसको खोलेंगे तो लूज होगा, दबाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। बाकी ये फिल्टर है, इसको देखते रहना है 5-6 दिन में, या पानी कैसा है आपका तो पानी के हिसाब से इसको देखना है कि इसमें कचरा ना फंस जाए। और एक चीज़ यहाँ पे अच्छी ये है कि जब भी हम दूसरी दवाई यूज़ करते हैं, जैसे कि निंदामन नाशक है, हर्बिसाइड, तो ये खोलेंगे हम ये वाल, तो पूरी टंकी जो है वो धोने के बाद यहाँ से पानी पूरा निकल साफ किया जा सकता है टंकी को भी, ये अच्छी सुविधा है।